टमी ट्रीट पर आप सबका स्वागत है। मैं सुशीला ऐदासन हूँ। आज आप सबके लिए भरवा करेले बना रही हूँ, जिसके लिए कि हमको चाहिए 2 कप करेले। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल रख के इसको गर्म करके रखेंगे। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें प्याज 5-6 प्याज पतले पतले काट के उसको फ्राई करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। करेला भरवा के मसाले के लिए हमको एक यूनिक मसाले की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं पंचफोरन का मसाला। इसको बनाने के लिए हमको 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच कलौंजी लगती है। ये 5 मसाले होते हैं। इनको हम तवे में थोड़ा फ्राई करके उसको फिर पीस के ये मसाला बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए हमारा प्याज जैसे गोल्डन ब्राउन होने वाला है। जैसे ब्राउन हो जाता है ब्राउन, इसको हम एक छन्नी में निकाल के तेल निकालने के लिए रख देंगे। इस कढ़ाई में हम करेले को फ्राई करेंगे। करेले के लिए बिना छिलका उतारे हुए इसमें कट लगा के इसमें नमक भरेंगे। नमक डाल के डायरेक्ट कढ़ाई में डालते जाएंगे। इस तरह से करने का डायरेक्ट उसी समय काट के नमक लगा के तलने में करेले कड़वे नहीं होते, उसकी कड़वाहट नहीं निकलती है। और अगर इन करेलों के बीच में कोई बहुत बड़े बड़े बीज हैं उसको भी निकाल देंगे। जब तक करेले हमारे फ्राई हो गए तब तक हम उसकी फिलिंग का मसाला बना लेते हैं। इसमें हम एक बाउल में ये जो प्याज फ्राई किए थे वो डाल देंगे। इसमें अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा शुगर, इसको खट्टा मीठा थोड़ा टेस्ट देंगे, थोड़ा सा शुगर डालना है, 1 चम्मच शुगर, और ये 3 चम्मच पंचफोरन का जो मसाला बनाया था हमने वो डालेंगे। नमक 1 चम्मच, नमक हिसाब से ही थोड़ा मसाले के डालेंगे क्योंकि हमने करेले में भी पहले से नमक डाला हुआ है। अब इसमें नींबू का रस मिक्स कर देंगे, 2 नींबू का रस, और मसाला ठीक से मिक्स करके रख देंगे जब तक कि हमारे करेले फ्राई हो जाए। पूरे बन गए हैं, फ्राई हो गए अच्छे से। इनको हम छान के निकाल लेते हैं, जैसे थोड़ी देर ठंडा होने रखेंगे। जब इसमें थोड़े ठंडे हो जाएंगे बस मसाला भर के फिर उसको पकाने के लिए रखेंगे। अब करेले ठंडे हो गए हैं, इनमें मसाला भर के हम बनाने के लिए रख देंगे। अब देखिए सारे करेले भर के हमने रख दिए हैं। इसको 5 मिनट स्लो गैस पे, इसको सिम पे रखेंगे, 5-7 मिनट के बाद निकाल कर बिल्कुल पककर तैयार हो जाएंगे। अब आपका अगर ये मसाला बच जाता है तो आलू फ्राई, भिंडी किसी में भर के बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं, अब इनकी हम प्लेटिंग करते हैं। अब
थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। हमारे करेले तैयार है। Please like, share and subscribe to Tummy Treat. Thank you.